स्वागत है आपका नेशन टीवी न्यूज में। मैं हूं सिमरन शुक्ला। आइए रुख करेंगे आज की प्रमुख खबरों की ओर। भागलपुर जिले का नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र केले और मक्के को लेकर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अब इससे हटकर नौगछिया के किसान ने सेब, नारंगी, अनानास, वीएनआरवी अमरूद, थाई बेर, नारंगी और मौसमी की बागवानी शुरू की है। जो सेब कश्मीर और हिमाचल की वादियों में नजर आते थे, वो अब नौगछिया में दिखने लगे हैं। किसान गोपाल सिंह ने 4 एकड़ में 1000 पेड़ लगाकर सेब की खेती शुरू की है। इस वर्ष पहली बार पेड़ में सेब फले हैं। वहीं जिस अनानास की खेती सिलीगुड़ी में होती थी, गोपाल सिंह ने अपने खेत में पहली बार इसको लगाया है। पहले ही वर्ष में पौधों में फल आने लगा है। किसान गोपाल सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से सेब का पेड़ लाया था। 3 वर्ष पहले सभी पेड़ लगाए गए थे। इस वर्ष कम फल हुआ है, अगले वर्ष सभी पेड़ों में फल होने लगेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में सभी पेड़ों में फूल आते हैं और जुलाई में पक कर तैयार हो जाते हैं। सेब की खेती शुरू हो चुकी है आपके बगान में? कितने एकड़ में? ये करीब 4 एकड़ में हम लोग सेब का खेती 1000 प्लांट लगाए हैं और इसका 3 साल पूरा होने वाला है। चौथे साल से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा और फिर जो लग रहा है हम लोगों को भी अच्छा है, इसको अच्छा बनेगा और पौधा में कोई तरह का किसी तरह का कोई रोग व्याधि उस तरह का नहीं है, अच्छा फलन होगा। ये पहला शुरुआत था जी। बिहार सरकार की तरफ से इसके लिए कोई सहयोग? बिहार सरकार का कोई सहयोग उस तरह का नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं आत्मा से जुड़े हुए, आपके वो प्रभात सिंह वगैरह, फिर हॉर्टिकल्चर के जो यहाँ हेड हैं, वो लोग भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बातचीत से हम लोगों को पूरा भरोसा देते हैं, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं है। बिहार सरकार पास उस तरह का कोई विंग नहीं है कि हम लोगों को सहयोग किया जाए इस मद में, लेकिन फिर रिस्क होता है ये नया फसल शुरू करना। लेकिन रिस्क है, लेकिन जब तक रिस्क कवर नहीं होगा तब तक तो फिर लाभ होगा कैसे, नुकसान भी होगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। इसलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब आपको दौड़ना है, आगे बढ़ना है, किसान को बढ़ाना है, और हमको लगता है कि अगर 1 एकड़ में यहाँ का किसान शुरू कर देगा, अभी अगले साल लोग देख लें इसको, उसके बाद फिर 5 लाख रुपया आसानी से 1 एकड़ से मिल जाएगा, जो खेती का पूरा विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेशन टीवी न्यूज के साथ।